हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल 2020 क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय का एग्जाम नज़दीक आ गया है, जो कि 29 अप्रैल को है। तो इसी को देखते हुए हम आप लोगों के लिए लाए हैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कह रहा है कि दिया गया है कि प्रश्न एक से चार तक प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति और उसके सामने चार उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो समस्या के बिल्कुल समान हो। मतलब दोस्तों, हमें इनमें से बताना है कि कौन सी समान आकृति है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन का। देखिए पहला क्वेश्चन का दिया है कि एक वृत्त है तो ऐसे चित्र है, तो ऐसा चित्र कहाँ पर बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, बाकी सब अलग चित्र हैं तो वो गलत होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दो नंबर क्वेश्चन में कौन सा समान आकृति होगी? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि और सारी आकृतियां कहीं ना कहीं से गलत हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कि ऐसा चित्र कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि देखिए और सारी आकृतियाँ कहीं बड़ी हैं तो कहीं छोटी, इसलिए वो सब गलत होंगी। आपका ऑप्शन बी एकदम राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि देखिए कि चौथे नंबर में देखिए ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यही मिल रहा है, बाकी सब गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आप चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दिया गया है निर्देश में कि प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में चार आकृतियां दी गई हैं, इनमें से 3 आकृतियां समान हैं तथा चौथी आकृतियां अन्य आकृतियों से भिन्न हैं, उस भिन्न आकृति को ज्ञात कीजिए। तो देखिए पांचवे क्वेश्चन में देखिए देखिए कि एक अक्षर दूसरे अक्षर के अपोजिट है पहले ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में देखिए इसमें भी एक अक्षर दूसरे अक्षर के अपोजिट है, और तीसरे में देखिए एक अक्षर दूसरे तरफ ही आ रहा है, दोनों अक्षर एक ही तरफ हैं, और चौथे में देखिए एक अक्षर दूसरे अक्षर के अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि दोस्तों इनमें देखिए कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कि इनमें से एक वृत्त है जो कि जिसमें एरो बनी है और सारी आकृतियां बनी हैं। तो एरो के सामने देखिए एकदम जस्ट देखिए कि एक वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त है। तो और समय देखिए कि पहले में वृत्त है एरो के सामने, और दूसरे में एरो के सामने एक दूसरा एरो है जो कि उल्टा है। और ऑप्शन सी में देखिए एरो के सामने वृत्त है, ऑप्शन डी में भी एरो के सामने वृत्त है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। तो सबसे भिन्न आकृति कौन सी होगी? ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें एरो के सामने वृत्त नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि 5 लाइनें हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और एक और ये, एक 5 लाइन हो गई। तो इनमें एक वृत्त नहीं बन रहा है, अर्धवृत्त। ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि ये अर्धवृत्त बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए कि एक यहाँ पर एक अर्धवृत्त बन रहा है, और ऑप्शन डी में भी एक अर्धवृत्त बन रहा है, जो कि ऑप्शन ए में अर्धवृत्त नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। इनमें से देखिए कि पहले में है एक वर्ग है जो कि इस तरफ गुड़ चारों तरफ उसकी आकृति बनी है, और दूसरे में भी चारों तरफ और सब में चारों तरफ बनी है, और पहले में देखिए कि ये गुड़े का चिन्ह है, और दूसरे में देखिए प्लस का चिन्ह है, तीसरे में प्लस का चिन्ह है, और चौथे में गुड़े का चिन्ह है, और पहले में देखिए कि दो बराबर चिन्ह हैं, बराबर चिन्ह बने हैं, और दूसरे में नहीं बना है, और तीसरे में नहीं बना है, और चौथे में बना है, और जो कि सब अलग अलग आकृतियाँ हैं। तो आपका कौन सी आकृति बनेगी? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए इनमें से क्या कह रहा है निर्देश में, प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है, जिसके चार भागों में से एक भाग रिक्त है, और उसके सामने चार उत्तर आकृतियां दी गई हैं। आप इन चारों उत्तर आकृतियों को ध्यान से देखिए,
उनमें से उत्तर आकृति का पता लगाइए जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के खाली भाग में सही बैठती हो, जिससे कि समस्या आकृति का ढांचा पूर्ण बन जाए। मतलब कि इनमें से आपको जो ऑप्शन छूटा है वही ऑप्शन आपको भरना है यहाँ पर, जहाँ पर है। तो वही देखिए कि कौन सा आंसर होगा इसमें। देखिए सब चित्र ऐसे बने हैं, ऐसे ऐसे करके, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि देखिए सब में तीन है तो इसमें भी तीन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कि ऐसा चित्र देखिए, ये है, इसके विपरीत ये है, तो इसके विपरीत ये भी बनेगा, तो ऐसे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कि ये दो वृत्त लगे हैं दो लाइनों से जो कि जुड़े हुए हैं, एक ऐसा जुड़ा है, एक ऐसा जुड़ा है, और यहाँ पर एक ऐसा है, तो यहाँ पर भी एक ऐसा जुड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी लाइन हो जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की यम बनाना है हमें, तो यम कहाँ पर बन रहा है, यम हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर एम की लाइन थोड़ी छोटी है, तो इसलिए यहाँ पर छोटी लाइन लगेगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में तीन समस्या आकृति के बाद चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दिया गया है, पहली और दूसरी आकृति एक निश्चित क्रम में दी गई है, इस प्रकार का संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति से भी होगा, उसके नीचे चार उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, इन उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक प्रकार से बैठ सके। मतलब दोस्तों इनमें अगला पद बताना है, तो क्या होगा चलिए देखते हैं अगला पद जो आपका आंसर होगा। तो देखिए कि क्या कह रहा है कि इस पहले वाले ऑप्शन में देखिए कि एक चित्र बना है और दूसरे में दो चित्र बन गए हैं, जो कि ये वाला उल्टा बन जा रहा है यहाँ पर, तो ये भी जाएगा उल्टा बन जाएगा, तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर हो जाएगा वृत्त, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कि दो अर्धवृत्त है तो दूसरे में मिला दिया गया है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज को मिला दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कि क्या कह रहा है कि ऐसा चित्र है, तो ये एक चित्र और ऐसे ही मिला दिया गया है, तो ये ऐसा चित्र है तो एक चित्र और मिला दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि इसमें तीन लाइनें हैं तो तीन लाइनें से एक त्रिभुज बना है, और इसमें चार लाइनें हैं तो चार लाइनें से क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा, क्योंकि देखिए बाकी सब में ऑप्शन नंबर सी में देखिए पांच लाइनें जुड़ी हैं, ऑप्शन बी होगा ही नहीं क्योंकि ये वृत्त है, ऑप्शन ए में देखिए कि आठ लाइनें हैं तो चार लाइनें हमारी कौन है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है जिसमें चौथे स्थान को रिक्त छोड़ दिया गया है, और यह समस्या आकृति एक निश्चित क्रम में दी गई है, और उसके नीचे चार उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, अब आपको दी गई इन चार उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनना है जो समस्या आकृति के रिक्त स्थान पर उस क्रम को पूरा करती है। तो इनमें भी अगला पद बताना है, देखिए कौन सा पद सही होता है। तो देखिए कौन सा पद सही होगा, देखिए इनमें से कि यहाँ पर एक त्रिभुज है तो यहाँ पर दो त्रिभुज हो गया, तो यहाँ एक त्रिभुज है तो यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इससे संबंध रखता है और ये इससे संबंध रखता है, यहाँ पर एक ही, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि दो एरो है जो कि अपोजिट में है, तो दूसरे में देखिए कि जुड़ गई हैं, और यहाँ पर भी देखिए कि दो समांतर हैं तो दो समांतर हो जाएंगी आपस में, ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि
एक त्रिभुज में एक वृत्त है, तो दूसरे में देखिए कि वृत्त बाहर आ गया है और त्रिभुज में एक लाइन बढ़ गई है जो कि वर्ग बन गया है, 3 से 4 हो गया। अब इसमें भी देखिए कि जो ये पंचभुज है, पंचभुज बाहर आ जाएगा इसमें, तो पंचभुज के अंदर बन जाएगा ये जो 4 है, यहाँ पर एक पंचभुज और आ जाएगा, क्योंकि एक लाइन इसमें भी पहले में देखिए कि एक लाइन बढ़ रही थी यहाँ पर, और देखिए इसमें भी एक लाइन बढ़ेगी, 4 जो है वर्ग में 4 लाइनें हैं, तो एक लाइन और बढ़ जाएगी तो 5 लाइन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जो कि अपने अपने सापेक्ष, मतलब कि अपने सामने आ जा रहा है इस कोने पर, यहाँ पर आ जा रहा है, और ये जो यन है, यन वहां पर चला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, और सब आकृति वहीं पर है, ये यहाँ पर आ जा रहा है और ये यहाँ पर चला जा रहा है, तो यन भी यहाँ पर आ जाएगा और ओ भी यहाँ पर चला जाएगा और सब आकृति वहीं पर रहेंगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया निर्देश में कि प्रश्न 21 से 24 तक प्रत्येक प्रश्न में वर्ग का एक भाग समस्या आकृति में है और उसके सामने 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को ढूंढिए जो समस्या आकृति के दिए गए भाग से मिलकर वर्ग को पूरा करती हैं। तो आपके द्वारा चुनी हुई आकृति के अंक को अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। तो इनमें से आकृति पूर्ति है दोस्तों, कि कौन सी आकृति जुड़ने पर यह आकृति पूर्ण बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, कि एक ऐसी आकृति लाइए जो इसमें फिट हो जाए, जो बराबर बैठ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। बाकी सब देखिए कहीं ना कहीं से ये ऑप्शन नंबर बी बहुत बड़ी है, ऑप्शन नंबर सी का ये त्रिभुज बहुत बड़ा है, ऑप्शन नंबर डी भी बहुत बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें से देखिए कि ऐसा बनेगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसी आकृति कहाँ पर मिलेगी, ये है जो ऐसी बनेगी, ये ऐसे, तो ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसी आकृति कहाँ पर मिलेगी जो कि इसमें आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पर कटिंग किया हुआ है जो कि यहाँ पर कटिंग नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही है कटिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न 25 से 28 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में एक समस्या आकृति दी गई है और उसके नीचे 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। इनमें से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो, जबकि दर्पण को XY पर रखा हो। मतलब दोस्तों हमें इनमें से ये बताना है कि कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बना है, जिस तरफ दर्पण रखा है तो उसका अपोजिट बनेगा, तो वही आपका आंसर होगा। तो देखिए कौन सा अपोजिट बना है, जिस तरफ XY है, तो इस तरफ दर्पण रखा गया है तो इसका अपोजिट क्या होगा, मतलब इसका उल्टा कौन सा होगा, जो त्रिभुज यहाँ पर है तो त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा, और ये गोला यहाँ पर है तो वृत्त यहाँ पर आ जाएगा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि देखिए काला ब्लैक अंदर है तो ब्लैक अंदर ही रहेगा ना, तो ब्लैक इस तरफ आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो वर्ड लिखा है तो इसका यहाँ पर दर्पण रखा गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, कि आर यहाँ पर चला जाए आएगा उल्टा बन के, ई यहाँ पर चला जाएगा और जेड उल्टा हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा, तो कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसी में सब देखिए कि सब उल्टे हैं, बाकी सब में कहीं ना कहीं सीधे हैं अक्षर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कर रहा है कि ये जो लिखा है तो इसके सामने देखिए दर्पण रखा गया है, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, मतलब इसका उल्टा क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा चित्र है जहाँ पर यहाँ पर दर्पण रखा गया है, तो
इसका उल्टा बनाएंगे तो क्या बनेगा, जो कि यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और ऐसे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। देखिए अपने अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि निर्देश में दिए गए प्रश्न 29 से 32 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में दी गई चार उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दर्शाए गए कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच करने या काटने के पश्चात कागज को खोलने से प्राप्त होगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि आकृति एक कागज के टुकड़े को मोड़कर काटा गया है, जो कि कौन सा बनेगा। यहाँ पर ये आकृति को पूरी फैलाई गई है, तो जब मोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंदर। तो कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में ये लाइन नहीं है, तो बीच में भी होनी चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए कि एक कागज के टुकड़े को मोड़कर काटा गया, जो कि ये ऐसा चित्र बनेगा, जब दोबारा खोलेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और तीसरे बार खोलेंगे ऐसा बन जाएगा, और चौथी बार खोलेंगे ऐसा बन जाएगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त को मोड़ कर काटा गया है, जो कि चार बार मोड़ा गया और उसमें एक वृत्त काटा गया, तो जब चार बार खुलेगा तो चार वृत्त तो बनेगा ही। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं राइट होगा, क्योंकि इसमें लाइन नहीं बनाई गई है, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इनमें से क्या कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसे चार बार मोड़ा गया है उसमें अर्धवृत्त काटा गया है, तो अर्धवृत्त जब दो बार खोलेंगे तो एक वृत्त बनेगा, फिर चार बार खोलेंगे तो दो वृत्त बनेगा। तो आपका दो वृत्त ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है, दिया गया निर्देश प्रश्न 33 से 36 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर चार उत्तर आकृतियां दी गई हैं, इनमें से उस आकृति को चुनिए जिससे समस्या आकृति छिपी हुई है और सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों इनमें से क्या ढूंढना है कि हमें छिपी हुई आकृति ढूंढना है, जो कि ये आपको आकृति दी गई है और आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इसी में से आपका आंसर होगा। तो देखिए कहते हैं इसमें से क्या कह रहा है कि जेड है, जो कि इसके आगे एक दो लाइन खींची गई है और यहाँ पर एक वृत्त है, तो ऐसी आकृति कहाँ मिल रही है हमें, तो ये देखिए ये ऐसे बन रही है, ऐसे ऐसे, और ये एक वृत्त भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ऐसा चित्र कहाँ बन रहा है, जो कि ऐसा चित्र बन रहा है कहाँ पर, ऐसा चित्र बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा है और ये एक लाइन दिखी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो आकृति है ऐसी बनी है, तो ऐसी आकृति कहाँ पर मिली गई, तो ऐसी आकृति मिलेगी हमें ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि कहाँ पर मिल रही, यहाँ से ऐसे लीजिए, सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ये देखिए कि ऐसा है और यहाँ पर ऐसे ऐसे मुड़ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये जो आकृति है कहाँ मिल रही है, तो ये जो आकृति है आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है, तो आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि देखिए ये आकृति ऐसी है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, फिर ऐसी है, और बीच में लाइन भी खींची है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है, निर्देश दिया गया है प्रश्न 37 से 40 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक समस्या आकृति दी गई है और उसके नीचे चार उत्तर आकृतियां दी गई हैं, इसमें से उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई गई जा सकती है। मतलब दोस्तों हमें इसमें से क्या करना है कि आपको आकृति दी गई है, सब अलग अलग दी गई है, और आपको इन सभी आकृतियों को मिलाकर एक आकृति का निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि दो पंचभुज दिया है और एक त्रिभुज दिया है, तो दो पंचभुज और एक त्रिभुज कहाँ पर मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि यहाँ पर सीधा सीधा है तो सीधा ही बनेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि
एक अर्धवृत्त है और जिसमें दो और वृत्त हैं, तो उसको जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो आपका उसपे जोड़ने से यहाँ पर देखिए कि ध्यान से देखिए कि ये वृत्त इससे छोटा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इससे छोटा ये वृत्त होगा, क्योंकि बराबर नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि एक अर्धवृत्त है और दो वृत्त और जुड़े हैं, तो इनमें से कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से देखिए कि ये वृत्त को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी, मतलब ये आकृति को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो चार आकृतियां हैं, तो हमें चार आकृतियां भी ढूंढनी होगी, कि देखिए दो पंचभुज हैं और यहाँ पर देखिए कि दो पंचभुज यहाँ पर भी हैं ऑप्शन ए में, ये है और ये है, और एक ऐसी आकृति ये है जो यहाँ तक है और ऐसी आकृति ये है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अब आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तो चैनल को वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर, तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको लाते रहेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा।